आपने अडानी को दिलवा दिया एमएसपी से हटाकर, और एक वहां हजारों करोड़ रुपए की गारंटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिलवाई गई, और वहां एक किलो कोयला भी अडानी जी हिंदुस्तान में नहीं ला सके, क्योंकि वहां की सरकार ने वहां के खदानों में रहने वाले उस इलाके के आदिवासियों के हक में कुछ स्पेशल कानून बना रखे थे, और उसके अनुरूप कार्य करने की आपकी कला नहीं थी, और आपने वहां अत्याचार करने की कोशिश करी तो लोगों ने आपको बाहर निकाल दिया और पैसा अलग फंस गया। तो नियत किसकी खराब थी? आज रफाल में कोई पूरे हिंदुस्तान में अगर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर बनाने का काम करता है तो कौन नहीं जानता कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अलावा और किसी के पास कोई छोटी सी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ रफाल की कंपनी डिसाल्ट की बात चल रही थी कि डिसाल्ट वाले टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद वो हवाई जहाज बनाने का काम करेगा, और आपने उसे रोक कर वो मुआहदा अनिल अंबानी को करा दिया, और अनिल अंबानी की कंपनी में 30,000 करोड़ रुपए डिसाल्ट ने डाल दिए, और अनिल अंबानी हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बेईमान भ्रष्ट और नाकामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट हो जिसकी कोई भी कंपनी कामयाब ना हुई। और